Hey guys, welcome back to my YouTube channel। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आलू प्याज के पराठे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें 1.5 कप के करीब आटा लेना है। दोस्तों आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लेना है। दोस्तों ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। स्वाद अनुसार नमक ले ले, मैं यहाँ पे आधे चम्मच के करीब ले रही हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। दोस्तों याद रहे, दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा हम रोटी के आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा हमने आटा लगा लिया है। अब हमें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। दोस्तों इसे 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने दें। दोस्तों जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक पराठों की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं। सब क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे एक चम्मच या फिर पोटैटो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर लीजिए। इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। बारीक कटा हुआ धनिया ले लें। आधे चम्मच एक करीब मिर्च पाउडर ले लें। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों यहाँ पे आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने लाल मिर्च डाल दिया है तो मैं हरी मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ। 1/4 चम्मच के करीब जीरा पाउडर ले लें। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों इसे मैं हाथ से मिक्स करूंगी। 200 हमें सबसे लास्ट में इसे तड़का लगाना है। 200 तड़का बहुत लोग लगाते हैं, पर कई लोग इसे आलू का चोखा बना देते हैं, जो कि इसे नहीं बनाना चाहिए। हमें सारी चीजों को इसमें फ्राई नहीं करना है, केवल हल्का सा सरसों का तड़का लगाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया है और इस पैन में मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। दोस्तों ऑयल जो है वो गर्म हो गई है। अब हमें इसमें 1/2 चम्मच के करीब सरसों डाल लेना है। सरसों को अच्छी तरह से चटकने दें। दोस्तों सरसों के अच्छी तरह चटकने के बाद हमें इसमें ये आलू डाल लेना है। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। दोस्तों आपने देखा ना, इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल आलू का चोखा बन जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें। इसके ठंडे होने के बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। आटे को भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसे छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। बहुत छोटी ना बनाए, जितना पराठों के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनाए। देखिए इस तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इतने आटे से 5 लोइयां बनाई हैं। अब हमें इनके भी छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ हमें एक लोई लेना है, इस तरीके से थोड़ा राउंड कर ले। अब हमें इसमें इस तरीके से आटे की कोटिंग कर लेनी है। इसे अच्छी तरह से राउंड करें। इसे बिल्कुल हल्का सा बेल लेना है। अब देख सकते हैं बहुत ज्यादा पतला ना बेले। अब इसमें हमें एक आलू का बॉल डाल लेना है और इसे इस तरीके से, जैसे आप मोमोज को कवर करते हैं बिल्कुल वैसे ही कवर कर लेना है। हल्का सा ट्विस्ट करें, इसे दबा लें। अब दोबारा आटे को इस तरीके से कोट कर लें।
अब हमें इसे बेल लेना है। दोस्तों यहां मैंने एक पराठा बना लिया है, इसी तरीके से हमें सारे पराठे बना लेने हैं। दोस्तों यहां मैंने एक तवा चढ़ा लिया था और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमें इसमें ये पराठा डाल लेना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में सेकें। एक तरह से सिक गई है, इसे हमें पलट लेना है। आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी है। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल लेना है। आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा घी लगा ले या फिर ऑयल लगा ले और इसे काट ले। बैक साइड में भी घी या फिर ऑयल लगा ले और इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक ले जब तक कि ये अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बन गई है, इसे एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लें। इसी तरीके से हमें सारे आलू के पराठे बना लेने हैं। दोस्तों हमारे आलू प्याज के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा ना कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।